आज हम अपनी संपदा टीम के साथ आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे विद्यालय पर जहां पर बच्चों की प्रतिभा को देख करके आप भी वाह कर उठेंगे। शिक्षक और शिक्षिकाएं बेहद मेहनती, कर्मठ और बच्चों के प्रति समर्पित। हम आपको जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं वो विद्यालय देवरिया जिले के बराव नामक स्थान से समोगर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। विद्यालय का नाम है गुरुकुलम विद्यापीठ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित बराव नामक स्थान से समोगर जाने वाले मार्ग पर एक विद्यालय स्थित है, गुरुकुलम विद्यापीठ। आश्चर्य है कि शहरी क्षेत्रों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में इतने अच्छे विद्यालय की कल्पना करना बड़ा कठिन कार्य था। आज वहाँ रंगोली और गरबा कार्यक्रम होना था। संपदा टीम वहाँ पहुँची और सबसे पहली बात हमें यहाँ तीन महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई पड़ी, इसलिए हमने समाचार को तीन प्रमुख मुद्दों पर रख कर के इसे आगे बढ़ाया है। पहली बात तो ये कि ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े, इतने शानदार और इतने जानदार तरीके का विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, ये मुझे जानना बहुत जरूरी था, जिसके लिए हमने यहाँ के डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल से संपर्क किया और उनके साक्षात्कार को हमने संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि इन बच्चों के प्रति ये इतना समर्पित ग्रामीण क्षेत्र में क्यों है। दूसरी बात ये कि ऐसा विद्यालय सचमुच यहाँ आसपास में मिलना मुश्किल है। विद्यालय में जो सुविधाएं हैं वह देख करके हम हतप्रभ रह गए। हम विद्यालय के प्रांगण में हैं और सबसे पहले हम विद्यालय के उन महत्वपूर्ण स्थलों को दिखाना चाहेंगे जहां बच्चे पढ़ते हैं। आपको हम सीधे लेकर चल रहे हैं विद्यालय के कक्ष की ओर, जहां पर चूंकि आज ये पर्व का दिन है, विद्यालय के स्टाफ और बच्चे ड्रेस में नहीं हैं, बल्कि पर्व की खुशी में इन्हें छूट दिया गया था कि वह अपने घर के ड्रेस में आए और यह कार्यक्रम गरबा का और उसमें साथ ही साथ रंगोली के कार्यक्रम में भाग लें। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं उस कक्ष की ओर जिन कक्ष में बच्चे अपना बैठ करके थोड़ा बहुत अध्ययन का कार्य भी कर रहे हैं और कार्यक्रम जो है उसका उत्सव भी मना रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस विद्यालय में छोटे से बच्चों के क्लासेस बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से हमें देखने को मिले। जितने ललक थे, ये रूम है जिसमें कि आप देख रहे हैं, इसमें अकाउंटेंट और वगैरह लोग बैठते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य और डायरेक्टर के अलग कक्ष हैं, ये कक्ष डायरेक्टर का है। आपको हम लेकर चल रहे हैं बच्चों के कक्षाओं की ओर, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, उन कक्षाओं की ओर लेकर चल रहे हैं। आपसे बता दें कि ये पूरा विद्यालय एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें नीचे से देखो ऊपर तक चारों तरफ एक हवादार भी है। ये सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी आप जाइए तो आपको जो है हवा, ताज़ी हवा जो है मिलती रहेगी। इसका ऐसा नक्शा बना हुआ है, आप देख रहे होंगे ये जो गैलरी हम चल रहे हैं इसमें, ये कंप्यूटर कक्ष है मेरे शायद, जी हाँ ये कंप्यूटर कक्ष है और इसमें लगभग 20 से अधिक कंप्यूटर हैं। छोटे छोटे बच्चे इसमें बैठते होंगे, यानी कि कम से कम जो है 20 है तो इसमें एक शिफ्ट में 40 बच्चे एक साथ बैठ कर कंप्यूटर सीख सकते हैं। यह है कंप्यूटर कक्ष इस विद्यालय का, गुरुकुलम विद्यापीठ। आप देख रहे होंगे ये सुविधा, ये छोटे से बच्चों के लिए है। ये अब तक ये विद्यालय, अभी तक ये विद्यालय कक्षा 7 तक है, लेकिन उम्मीद है कि अतिशीघ्र ये बहुत तेज प्रगति करेगा। आगे देखें, नन्हे मुन्ने बच्चों का ये विद्यालय कक्ष आप देख रहे होंगे, LKG का एक कक्ष, हम इसका कक्ष में प्रवेश करेंगे और बच्चों के कार्यक्रमों को आपको हम दिखाएंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं।
हम लेकर चल रहे हैं आपको उस कक्ष में। इस विद्यालय में लिफ्ट के निर्माण का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आ जाओ, डरो नहीं, डरो नहीं बेटा। इसको सुना रही है ना मैं, उसको फिर से सुना दो। रिकॉर्ड पुलिस पर आप इसको क्लैप योर हैंड्स। यहां क्या सुना? हां क्या बोलो, बोलते भी आप बोलते कर दें। क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, लिसन टू द म्यूजिक एंड क्लैप योर हैंड्स, स्टैम्प योर हैंड्स। कर रही कुछ, किसी और को बुलाइए, किसी को बताओ। चलो यहां पे देखिए और क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर clap your hands, listen to the music and clap your hands, stamp your feet, stamp your feet, listen to the music and stamp your feet, turn around, turn around, listen to the music and turn around, jump on high, jump on यहाँ बच्चों के लिए अलग अलग प्लेग्राउंड बने हुए हैं। कुछ प्लेग्राउंड में फुटबॉल जैसे, वॉलीबॉल जैसे, बैडमिंटन जैसे खेलों की अलग व्यवस्था है और नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलने के लिए उनके तरह के अलग प्रकार के खेल की सामग्रियां रखी हुई हैं। हम आपको सब दिखाएंगे फील्ड को, लेकिन इसके पहले आपसे बता दें कि इस विद्यालय में टीचर के बैठने का अलग स्टाफ का रूम है। और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं एक और क्लास में, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अध्ययन में व्यस्त हैं और उसमें अध्यापक गण जो हैं, अध्यापिकाएं जो हैं, बच्चों को अपना पढ़ा रही हैं।
ये इस कॉलेज का छोटे छोटे बच्चों का ये क्लासरूम है, आप देख रहे होंगे। यह है कॉलेज का प्लेग्राउंड और यहाँ आप कोने में देख रहे होंगे लिफ्ट निर्माण का कार्य चल रहा है। 2 मंजिले इस विद्यालय में लिफ्ट की भी व्यवस्था है और इसके अतिरिक्त तो वो सारी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, जो हर विद्यालय में होती हैं, वो सब सुविधाएं अति सुंदर रूप से यहाँ पर व्यवस्थित की हुई हमें मिली। इस फील्ड में इस समय सफाई का कार्य चल रहा है और हम आपको इसके पहले कुछ अध्यापकों से बात करेंगे। यहाँ फैमिली वाली फीलिंग होती है कि हम यहीं रहते हैं, हॉस्टल्स में ही रहते हैं, जबकि हमारी फैमिलीज नियर बाई ही होती है, ट्रैवलिंग नहीं हो पाता है, लेकिन हम यहीं रहते हैं बिकॉज यहाँ सर्विसेज अच्छी मिल रही है और नया स्कूल है, ये सोच के कि इसे भी हम आगे बढ़ाएंगे। 4 साल हमने कहीं और भी जॉब किया है लेकिन यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली। बच्चों के साथ पढ़ाते समय क्या आप प्रेम से पेश आती है या हार्ड तरीके से? समटाइम प्रेम से भी आता है, समटाइम हम हार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं होता कि प्यार से ही हर चीज़ बता सकता है। स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी है, हम भी पढ़े हैं, हमें पता है कि बच्चे को अगर प्यार से करते हैं वो चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाते, समटाइम कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे प्यार से ही समझाएं तो ही समझ पाते हैं, तो दोनों ज़रूरी हमारे लिए। आपको पढ़ाने में कैसा लगता है यहाँ पे? बिल्कुल बहुत अच्छा, ये तो हमारी खूबियाँ है कि हम पढ़ाते हैं और बच्चे समझ भी पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका स्टाफ आपके साथ कैसा व्यवहार करता है? स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अलग अलग कंट्री, अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट से आए हैं तो सबका व्यवहार ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं का व्यवहार एक जैसा। बहुत सुंदर, ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कई दिशाओं से लोग आए हैं, तो हर दिशाओं के लोगों से मिलने पर एक अलग जो है उपलब्धि, क्योंकि उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से हैं, कलकत्ता से लोग हैं, मुंबई से है, दिल्ली से लोग हैं, तो सारी जगह का एक लगता है यूनिक कॉम्बिनेशन हमारे स्कूल में मिल जाता है। आपको कौन सा वैसे विषय पसंद भी है? इंग्लिश। इंग्लिश पसंद है, बहुत सुंदर। और ये सब जो कॉलेज बच्चों के बीच जो है जो आर्ट का एक्टिविटीज हम आप देख रहे हैं, इसमें भी आपका योगदान है? बिल्कुल सर, हम हर चीज़ों को पता है बच्चों को क्या समझ आ रहा है, टीवी देखते हैं बच्चे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे दिख रहा है क्योंकि वो चीज़ें दिखाई देती है, हम सोचते हैं कि बच्चों को दिखा के हर चीज़ें समझाए, बच्चों के दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहे, हम लोग भी वैसे ही होते हैं, हम लोग मोबाइल टीवी क्यों देखते हैं कि वो चीज़ हमें याद हो जाए, तो बच्चों के रूप में भी वैसे ही करते हैं कि क्लास में कलरफुल कर देते हैं या फिर हम ऐसा बिहेव करते हैं कि बच्चों को हमेशा याद हो जाए। संपदा न्यूज आपको इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद देता है, हमारे तरफ शुभकामनाएं आपको भी, पूरे आपके स्टाफ को और विद्यालय को। मेरा नाम प्रतीक्षा शुक्ला है और मैं गुरु ग्रंथ विद्यापीठ में अभी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हूँ। अब है कहाँ से आई हूँ? मैं हूँ यहाँ के लोकल, मेरा होम टाउन यहीं पे है, बट मेरी शादी हुई है नोएडा में, पढ़ाई अपनी लॉ की पढ़ाई मैं वहीं से कम्प्लीट की। आप लॉ की हैं? यस। आपको कौन सा विषय बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है? मुझे बच्चों के साथ एक्टिविटी कराने में ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चों के साथ खेलना पसंद है बहुत, उसके साथ साथ मैं बच्चों को सारे, मदर टीचर हूँ मैं अपने क्लास की जी। मैं अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाती हूँ और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो हिचकते नहीं हैं मुझसे कुछ भी शेयर करने में, ऐसी मैं उनके साथ बॉन्डिंग बना दी हूँ कि वो मुझसे कुछ भी आके बोल सकते हैं। अब बच्चों को हमेशा ऐसा बनाओ कि वो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएँ और वो किसी भी चीज़ की उनकी हिचक ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके टीचर से शेयर करें, वो मुझसे करते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं एक बार स्कूल जाती हूँ उसके बाद क्लास में जाने के बाद मैं शाम तक नहीं निकलती, मुझे इतने पसंद है अपने बच्चे। और थैंक यू। कला प्रकृति का वरदान होता है और आप में कला जो है जन्म जात है, संपदा की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम अपना नाम बताएं जी। दीप रंजना स्वरूप। दीप रंजना स्वरूप। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम बनारस। आपको अपने विद्यालय में बच्चों के ये जो सुंदर प्रगति हो रही है तो वह उसके लिए जिम्मेदार किसको मानती है? विद्यालय मतलब कि इनको जो बच्चे लोग सिखा रहे हैं ये उनका कहाँ तक योगदान है? क्या बच्चे यहाँ आके सीखते हैं या सीखे सिखाए आते हैं? हाँ बच्चे आके भी सीखते हैं, वो खुद बाहर से भी ना, उनका खुद का भी टैलेंट। और उसमें आपका टैलेंट क्या क्या है? हमने जैसे कि आप लोग सिखा रहे हैं, हम बच्चों को बस अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट मतलब क्या करते हैं? मतलब हम उनको उनकी
जो कला है उसको निखारते हैं। बहुत सुंदर बात, जो कला उनमें दबी हुई है उसको आप उसे उभारते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं। बहुत सुंदर। कंप्यूटर में इन लोग को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। सो बच्चों को यही है कि बच्चों को एक ज़्यादा एक्सपीरियंस करवाना है, लैब करवाना है, ताकि वो अपना वर्क को प्रूव कर। ये जो आज कार्यक्रम आपके यहाँ हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? सर मैं ये बता सकता हूँ, मेरा नाम सूर्यांश राव, मैं पास ही के मेरा घर है। एक्चुअली यहाँ पे जो बच्चे हैं जिसे एजुकेशन और कुछ जो भी अनुभवी जो भी बच्चों के अंदर जो क्वालिटी होता है, बच्चे जैसे कुछ हमारे अंदर जो भी जैसे कुछ रंगोली मेकिंग कंपटीशन होते हैं या फिर जो भी हमारे आस पास में जो भी दिया जाता है तो उसमें डेवलप कर सकते हैं। तो इस नाते बच्चों को हम सिखाते हैं कि बच्चे अपने आप को डेवलप करें और देश बच्चे अगर डेवलप करेंगे तो हमारे स्कूल का नाम होगा। और यहाँ का सर, आप कला जहाँ जन्म लेती है उस स्थान की वंदना सब करते हैं। माँ सरस्वती के पास सरस्वती की एक उपासिका जो इस विद्यालय की है, आपका शुभ नाम क्या है? अनिता जागीर जी, आप कला की शिक्षक हैं और मैं तो यही जानता हूँ कि कला जो है नेचुरल गिफ्ट है, प्राकृतिक देन है और यह जो है भाग्य से मिलता है। तो सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हुए बताएं कि बच्चों में आप कैसे सिखाती हैं, कैसा लगता है सिखाते समय? थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग तो हिप हॉप सिखाते हैं, सब लोग ये सिखाते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल का नाम है गुरुकुल विद्यापीठ और एथिक्स सब कुछ इसमें जॉइंट है, शिक्षा संस्कार सब कुछ है। सब लोग तो हिप हॉप वगैरह सब कुछ अलग अलग डांस सिखाते हैं, लेकिन जो मैं सिखाती हूँ भरतनाट्यम कथक, ये हमारी संस्कृति है, संस्कृति के साथ हमें जोड़ कर रखना है। मैं बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों के साथ जोड़ कर रखना चाहती हूँ। आप भरतनाट्यम जानती हैं? हाँ जी। कथक भी जानती हैं? तो ये और पीछे चले जाइए। रहने वाला मैं हरदोई जिले का हूँ, क्योंकि मेरे फादर यहाँ रह चुके, इंजीनियर रह चुके, तो मेरे
के कुछ मित्र थे, उन्होंने बोला कि एक स्कूल खोला था और अच्छा शुरू से नहीं आ गया इस स्कूल, क्योंकि एक मेरा बेटा MBBS कर रहा है, बेटी मेरी स्विस बैंक में जॉब करती है, तो लगा कि अभी पैसों का करना क्या, समाज के लिए कुछ यूँ कर दिया, बस बात हो गई स्कूल खोल। स्कूल खोलने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जिस तरह से मैं एक गरीब घर में रहता हूँ, मेरे क्लास 10th में मुझे याद है मेरे फुल पैंट पहनी थी, उसके पहले मैं हाफ पैंट पहनता था, पैसे नहीं थे, साइकिल पर चला, मेरे पिताजी आज भी साइकिल पर चलाते हैं, और कैसे माता पिता का आशीर्वाद, टीचर का ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा जोड़ जोड़ करके इकट्ठा किया था, और सब कुछ यहाँ इसलिए कर दिया कि मेरे जैसे लोग हो सकता आने वाले समय में हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ दिमाग में था और सभी ने मोटिवेट किया और इसको खुल गया, और मेरे ख्याल से लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। स्कूल खुलने का एक्चुअली उद्देश्य ये है कि आई वॉन्ट टू स्पीक, मेन एम ऑफ द स्कूल टू हेल्प स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड टू इनेबल देम टू इनरिच एंड टू फाइट विद द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफर्ड बाय ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। ये दिमाग में था कि बच्चों को जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उससे फाइट करने के लिए कैसे उनको प्रिपेयर किया जाए, सभी स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा ना सिर्फ इतने से बाहर नहीं, हमें चाहिए क्या संस्कार, हमें चाहिए एथिक्स जो कि शहर के सभी बच्चों में मिसिंग हो गई। तो जैसे ही मेरे पास ये ऑफर आया कि एक स्कूल खुला जाए अभी गाँव में, तो मैं तुरंत और मैंने इसे स्कूल खोल दिया। आपने देखा होगा इस स्कूल का नाम गुरुकुलम विद्याबीज टैगलाइन एजुकेशन विद एथिक्स। हम जो भी कुछ पढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसमें हमारी एथिकल वैल्यू जो मिसिंग हो रही है, बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे, भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा, सब दुनिया पूरी आजकल मोबाइल में सबमिट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक उसी में लोग फ्रेंड्स बना रहे हैं, उसी में जी रहे हैं, रियलिटी से लोगों को वास्ता कम रहेगा। तो हमारी कोशिश ऐसी है कि हम लोगों को एहसास दिलाएं और ऐसा कुछ करें कि सबसे पहले लोग मानवता याद करें, मानव को पढ़ाई तो हो ही जाए, उसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा ही आपसे वार्ता करके बड़ा ही हमें सुकून और अच्छा लगा। ये जैसे कि हमारा देश भारत हिंदी प्रधान देश है, इसे यहाँ हिंदी की ही अधिक प्राथमिकता है, तो इस हिंदी क्षेत्र में आपने अंग्रेजी स्कूल खोला, और हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर हिंदी की जानकारी बहुत अच्छी है बच्चों की, हमने वो देखा है, लेकिन इसमें इंग्लिश भी डायरेक्ट खोलने का क्या औचित्य था ये जरा सवाल बताइए। होता क्या है कि जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की और जहाँ जहाँ भी मैं गया, हमारे जब हम भारतीय से बात करते हैं तो हमारे ख्याल से 30% लोग तो इंगो में आकर बोलते हैं कि चूंकि हम भारतीय हैं मैं हिंदी ही बोलूँगा, इंग्लिश बोलूँगा ही नहीं, जबकि उन्हें इंग्लिश आती है, लेकिन अधिकतर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, उन्हें डर लगता है। मेरा ये मानना है कि देश का नाम भारत, भारत नाम का छोटा सा बच्चा शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिन रहा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि शेर क्या है जी। हम जो अगर डरते हैं तो उसे हमें नहीं आते, हम इंग्लिश से डरते हैं इसलिए हमें इंग्लिश नहीं आती। और आप देखिए हमारे यहाँ नर्सरी LKG UKG के बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलने लगे, लोगों को शायद पता नहीं है दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला दूसरा देश भारत ही। ये तो हर भी देश में पता था, बहुत अच्छी बात आप बताए, भारत ही है जहाँ सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, नंबर 2 है। अब हमारे देश को आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा डॉलर से, जो वहाँ से पैसे आएंगे, पैसे आएंगे कैसे, उसके लिए हमारे अपने देश को ज़्यादा डेवलप करना है, जो मोदी जी कर रहे हैं। जब देश डेवलप होगा फॉरन कर लगाएंगे, अभी जैसे हमारे यहाँ अभी सम्मेलन जलेगा, पूरे चांदनी चौक के लोगों को अपने बच्चों को अपने लोगों को सौपच के बैठा के उनके उनको सौ हिंदी आती थी, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, तो उनको इंग्लिश की ट्रेनिंग कराएंगे ताकि जो भी लोग बाहर से आए आकर के वो इंग्लिश बात करें तो किससे पढ़ेगी और हमारे इंडिया को लोग अच्छे से जान पाएंगे। तो जो भी लोग बाहर के यहाँ पर आते हैं अगर हमारे बच्चे
अच्छे से कन्वर्सेशन करेंगे तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग अवर कंट्री, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे बारे में, हमारे थिंकिंग के बारे में। हम दुनिया में सबसे अधिक अमीर है अपने कल्चर के, हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा क्या मतलब जी, अगर हमें उस लैंग्वेज में भी प्रवीणता प्राप्त हो जाए इंग्लिश में, तो हमारे बच्चे जो बाहर जाएंगे दे विल अर्न मोस्ट मनी, दे विल अर्न एवरीथिंग, हमारे पूरे भारत को पूरे विश्व में हर जगह फैला देंगे और हम पूरे विश्व में नंबर वन हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम करेंगे इंडियन लैंग्वेज नहीं आती तो अपनी बात हम कहेंगे कैसे, होता वो मुझे समझेंगे कब तक, कैसे समझेंगे। इसीलिए हमारे बच्चों को हिंदी अच्छी आने के साथ नहीं नंबर वन इन इंग्लिश नंबर वन और नॉर्थ इंग्लिश, हमें बाकी दूसरी भाषाओं की पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारी सभी भाषाओं की जितनी संस्कृत है वो भी मिसिंग हो रही है। पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है आजकल के बच्चों में और स्पेशली इस एरिया में, पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं देते, क्वालिटी टाइम जिसे बोला जाता है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों से बैठ कर बातें करें कि जैसे आज स्कूल हमारे गरबा का त्यौहार, ये गरबा का त्यौहार क्यों मनाया जा रहा और हम क्यों मना रहे हैं, हमारे इलाके में तो होता नहीं इस समोगर में और बराबर इलाके में। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे भारतवर्ष को एक जगह ला करके रखा, तो हम अपने देश की खूबसूरती, अपने देश के कल्चर को एक जगह देखें। जैसे कि गरबा में दुर्गा जी के नौ रंग इन सभी रंगों की उपासना, उनकी प्रार्थना और उनको पसंद कैसे करें और उनसे आशीर्वाद कैसे करें, इस पर एक बड़ा अच्छा थीम है और इसी प्रश्न बारे से मैं गरबा का आयोजन किया है। इसी तरह से मेरे यहाँ भरतनाट्यम, कथा, बाकी जितने दूसरे कल्चरल एक्टिविटीज होने हैं स्टार्ट हो चुके हैं, होते रहेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे भारतवर्ष को समेट करके मैं असम में रहा, मेरे बच्चे ने फंक्शन में असम का डांस करेंगे, मैं राजस्थान में रहा, राजस्थानी डांस यहाँ पर होना है, नेपाल में रहा, नेपाली डांस यहाँ होगा और हमारे बच्चे दूसरे देश के डांस को करेंगे और फील करेंगे कि हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं और हम उस बेहतरी को कैसे लोगों को बता सकते हैं। ये तो हमारे कभी तुम्हारा ना होगा जैसे आप हमारे पास हैं जी। तो बस सोच छोटी सी है, साथ आपको देना है, साथ तो यहाँ के लोग नहीं है। सर ऐसा कहा जाता है कि हेल्दी माइंड इज प्रेजेंट इन हेल्दी बॉडी, तो हेल्थ को टॉप पर रख करके हमने ऐसा सोच रखा है कि हम बच्चों को वो सारे काम कराएंगे जिसमें बच्चों की हेल्थ नंबर वन है। क्योंकि आजकल के बच्चे भी मम्मी पापा को देख देख करके मोबाइल में एक प्रश्न और इसमें गलती माँ बाप की अपने बच्चों को समय नहीं देता। छोटा बच्चा मम्मी का है, बच्चे को दे देते मोबाइल बेटा दो मिनट खेलो, मैं अपना दूसरे काम करते हैं क्या नहीं बिल्कुल सुबह उठ करके बच्चों को प्रार्थना नहीं कराते थे। जबकि हमारे पेरेंट्स अपने साथ जब प्रार्थना करते थे तो हमारे को सब पैदल बैठाते थे, नहीं हो रहा। तो हमने अपने यहाँ क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले आप स्कूल में जब एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे एक बड़ा सा प्ले स्टेशन लगा हुआ है, बच्चे छोटे नर्सरी एल के जी यू के जी के वो सिर्फ क्लास फर्स्ट तक के लिए है और वो बहुत ही महंगा हो, जहाँ पर आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, शायद बरबर मिलेगा। छोटे बच्चे उस पर चढ़ेंगे और उतरेंगे, निश्चित रूप से उनके बॉडी में उनकी मसल्स एक्टिविटी बढ़ेगी और मेरे हिसाब से खेल एक योग है। जब आदमी खेलता है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, इससे अच्छा योग नहीं होता। क्योंकि मैं तो बैडमिंटन करता हूँ और मुझे मालूम है जब मैं बैडमिंटन कोर्ट में पहुँचता हूँ तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम सारे प्रेशर पता ही नहीं चलते कहाँ से, इसका मैं सिर्फ ध्यान रखता है कि जीतना। दूसरा बहुत सारे यहाँ पर जिम वाले एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स लगे हुए हैं जैसे मंकी बार और कुछ स्विंग्स हैं, जब उस पर भी बच्चे जाएंगे उन्हें भी नहीं पाए। अब आइए कुछ बड़े बच्चों, हमने यहाँ पर क्रिकेट नेट प्रैक्टिस के लिए तीन तीन कोर्ट बना रखे जिससे बच्चे आएंगे और क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस करेंगे। फुटबॉल खेलने के लिए स्पोर्ट्स टीचर कलकत्ता के हैं और उसने मोहन बंगाल से फुटबॉल खेला,
वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन द सेम वे बैडमिंटन की ट्रेनिंग होना से मानसिक डेवलपमेंट के लिए, चेस के लिए अलग से बिल्कुल व्यवस्था है, उंगलियाँ मजबूत हो जाए उसके लिए कैरम, और साथ ही साथ दे विल अंडरस्टैंड हाउ टू कोऑर्डिनेट विद द थिंग्स। कैरम बहुत अच्छी चीज़ इसके लिए होती है, स्मार्ट बनाने के लिए। आजकल सिर्फ किताबी नाम से काम नहीं चलेगा, आजकल पान की दुकान पर भी अगर मिल जाता है तो इंग्लिश में लिखा हुआ जाता है कि इतने रुपए का पान पर आ गया, इतने रुपए की सिगरेट है, हिंदी में कोई मिलने वाला होता है। स्टिल दे मस्ट नो कंप्यूटर्स। तो आप स्कूल में जैसे ही घुसेंगे आप देखेंगे कि हर बच्चे के अलग बैठने के लिए कंप्यूटर, बिल्कुल नए ब्रांडेड कंप्यूटर रखे हुए हैं, जिसमें हर बच्चा नया नया क्लास फर्स्ट से लास्ट तक डेली ही कंप्यूटर से पढ़ रहा है और उसे प्रैक्टिकल भी। तो कोशिश ऐसी है कि बच्चे हमारे हर क्षेत्र में आगे निकले, और देखते हैं बाकी जो जरूरत पड़ेगी व्यवस्था भी की जाएगी, हम उसमें कहेंगे इच्छा रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्चुअली हम लोग एजुकेशन से, मैं खुद 20 ईयर से जुड़ी हुई हूँ जी, और मैं काठमांडू में भी मैं पढ़ाई हूँ, और मैं ऐसे स्कूल में टीचिंग करती थी जहाँ के वहाँ के जो राजा हैं उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। तो वो हमारा स्कूल एक 5-स्टार टाइप का स्कूल था, काफ़ी सिक्योरिटी थी, और वहाँ बहुत हाई फाई फैमिली के लोग पढ़ते थे, नॉर्मल फैमिली के लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो मैं, और मेरा एक शुरू से एम रहा कि जब मैं जॉब करती थी तो हमारे जो एक ओनर थी, जब वो आती थी स्कूल में, तो मैं सोचती थी कि मैं भी एक ऐसे स्कूल खोलूँगी और मैं उसकी मालिक बनूँगी और मैं कुछ अपने क्षेत्र में अच्छा करना चाहूँगी। पर उस समय हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, तो मैंने धीरे धीरे वहाँ से गेन किया, और लास्ट में मैंने यही सोचा कि अब जॉब नहीं करके एक अपने क्षेत्र के लिए एक हम स्कूल खोले जहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, संस्कारों से वंचित हो रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो यही सोच लेकर के हम इस देवरिया ज़िले में आए हैं, और ये गुरुकुलम विद्यापीठ की हम लोगों ने मिलकर के नींव रखा है, और मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ें वो अच्छे संस्कारों के साथ पढ़ें। सिर्फ सर एजुकेशन से मतलब नहीं होता कि आप शिक्षा ग्रहण कर लिए, आपको PhD की डिग्री मिल गई, पर आपके पास संस्कार नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। और मेरा मोटिव यही है एजुकेशन और एथिक्स हमारा लोगों में, कि हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी सिखाने हैं, जो आज की जनरेशन के बच्चे धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति खराब है, हम बाहर जा रहे हैं, मुझे वो भी अपनाना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी संस्कृति को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जब हम विदेश में जाते हैं तो मेरी पहचान अपनी संस्कृति से होनी चाहिए, ना कि उनके संस्कृति से। आपके विचार बड़े ही कुछ भी हैं, इसलिए संदेह हम पहला विचार देख रहे हैं जो हमारी संस्कृति को प्रथम दर्जा दे रहा है। हम संपदा न्यूज चैनल से आपको पहले धन्यवाद दें, इस उत्तम सोच के लिए हम आपके आगे नतमस्तक हैं, आपको सैल्यूट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, संपदा अपने संस्कृति को बचाने का एक इसका अलग हमारा आयाम है जो हम सैल्यूट करते हैं। बड़ी खुशी हुई, हमने बच्चों में बड़ी सुंदर प्रतिभा भी देखी है आज, और टीचर भी देखे बड़े अच्छे टीचर रहे हैं और पूरी तरह समर्पित बच्चों के प्रति टीचर रहे हैं। अपने टीचरों के बारे में आपको क्या कहना है, कैसे है? सर हमारे टीचर तो बहुत ही मेहनती हैं, और हमारे सभी मोस्टली टीचर सब बाहर से ही हैं, हमारे स्कूल में ही रहते हैं, और हमारे जो बच्चे वीक हैं उनको हम आफ्टर स्कूल रोकते हैं और उनको एक्स्ट्रा वर्क टीचर कराते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पर जैसे हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है सर, यहाँ पे इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने सारे टीचर्स बाहर से बुलाए हैं जो इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, और उनको बेसिक से लेकर के जो हमारा जैसे से स्टैंडर्ड है उसको भी हम पढ़ाते हैं, जैसे बड़ी क्लास में बच्चे उनको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, तो हम बेसिक चीज़ों को लेकर के भी बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, और जैसे क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए हमारे टीचर पूरी कोशिश करते हैं क्वालिटी एजुकेशन।
वैसे आपके विद्यालय के इस सुंदर व्यवस्था को देख करके मेरा मन मोह गया है। हम तो आते रहेंगे, अगर कोई भी कार्यक्रम होगा हम अवश्य आएंगे और देखते रहेंगे। फिर भी यदि आप कोई हमारे चैनल के द्वारा कुछ संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें, बरहज के लोग आपको नहीं जानते तो आज हम पहली बार आपको बरहज के सामने पेश करने जा रहे हैं, जिले के सामने पेश करेंगे, कमिश्नर के साथ चारों तरफ भी जाए, क्योंकि उच्च वर्ग के जो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं वही हमारे संपदा से जुड़े हुए हैं। थर्ड क्लास का जनरेशन हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, तो इन लोगों के बीच आपको हम आज लेके जा रहे हैं और उनके उनसे यदि आपको कुछ कहना हो, अपना कोई संदेश, तो स्वागत है। नहीं, मैं इस क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि एक बार हमारे स्कूल में आए और देखें कि हमारा स्कूल कैसा है, और अगर उनके घर में बच्चे हैं उनको भी भेजें, और इसलिए नहीं कि वो मेरे स्कूल में पढ़ाएं, यहाँ पर आए और मुझे कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं कि मैं इसको और अच्छा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। हम लोग शुरू से शहर में रहे, पहली बार हम भी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए ही हम यहाँ पर इतना स्ट्रगल हम भी कर रहे हैं कि यहाँ के लोग अच्छे हों, क्योंकि मैं भी गांव से ही आई हूँ, तब मैं शहर में गई हूँ, मेरे भी पेरेंट्स गाँव में ही रहते थे, बाद में हम लोग शहर में गए। लेकिन मेरा यही है, सभी से निवेदन है कि एक बार यहाँ पर आए और हमें कुछ सजेशन दे कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरी संस्था को आपने रिकग्नाइज किया और आपने देखा, और आपने आप तो बहुत जगह गए होंगे, आपने देखा होगा इस संस्था को। बेसिकली कोई ऐसा मेरा प्रेरणा नहीं था, बस ये था कि मैं जब छोटा था जब हाई स्कूल में ग्रेजुएटेड की पढ़ाई कर रहा था, आज के 30 साल पहले की बात है कि मैंने देखा कि 30 साल पहले मैं जब यहाँ से एक अच्छे स्कूल में कम से कम 48 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा करके मैं जाता था, कोचिंग करता था तो 24 किलोमीटर और बढ़ जाता था, 24 किलोमीटर आना और 24 किलोमीटर जाना। इन बिटवीन में मैंने देखा कि 30 साल गुजरने के बाद भी कोई इस तरह का काम इस पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे लाभान्वित हों और यहाँ की प्रतिभा को जो है निखारा जाए। इस कंडीशन में बड़े ख्याल मेरे मन में आते थे कि कुछ अच्छा कार्य अगर किया जाए और एक अच्छा विद्यालय की आवश्यकता है जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल हो और अच्छे टीचर्स अवेलेबल हों और अच्छी सुविधाएं अगर दी जाएँ, तो जो लोग यहाँ से पलायन करते हैं शिक्षा के लिए, देवरिया जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो उनके बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, एक कमरा होता है, फिर ट्यूशन करते हैं, फिर करते हैं, तमाम तरह के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। मैंने देखा कि एक आज की डेट में आम आदमी जो है एक शिक्षा में बहुत ज़्यादा उसके एक्सपेंसेज आ रहे हैं और छोटी फैमिली होने के नाते परिवार भी बिखर जाता है। पता चलता है कि अगर किसी के एक बेटा है, एक बहू है और घर में एक गार्जियन है, पता चलता है कि पढ़ाने के चक्कर में बहू जो है और बेटे बाहर चले गए, गार्जियन की भी जो है दिक्कत होती थी। तो हमने देखा कि यहाँ बहुत आवश्यकता है, जिसको स्कूल तो बहुत हैं यहाँ पे अगल बगल में, लेकिन वो जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो सुविधाएँ उस हिसाब से नहीं है जो गोरखपुर, लखनऊ या दिल्ली के स्कूलों में मिलता है। फिर मैंने जो है मेरी मुलाकात डॉक्टर राजेश त्रिपाठी सर से हुई थी और मैं तो थैंक्स कहूँगा उनको कि जिन्होंने मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और आज की डेट में मैं कहूँ कि इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको 25 साल का है। इस 25 साल के एक्सपीरियंस में क्या व्यक्ति जो हमेशा शहर में रहा है, टॉप मोस्ट स्कूल्स को जो है उसने गाइड किया हो और वो एक ग्रामीण क्षेत्र में आकर के अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो, तो मुझे लगा जब मैंने उनको प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे भी एक बेटी और एक बेटा है, बेटा MBBS है, बेटी जो है वनस्थली से जो है बेटे कर चुके हैं, कुछ अच्छा किया जाए। मैंने कहा सर आपकी सोच और हमारी सोच तो बहुत मिल रही है, क्यों ना इस एरिया के लिए भी कुछ अच्छा कार्य किया है। उन्होंने अपनी सहमति जताई और कहा कि सर अब आपके इस क्षेत्र के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर गारमा शुरू हुआ और धीरे धीरे कोशिश ये हो रही है कि जो फैसिलिटी यहाँ दी जाए वो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है। अभी तो हम लोगों ने इस साल शुरुआत किया, जल्दी ही से डे बोर्डिंग भी करेंगे
फिर इसको बोर्डिंग के में से कंप्लीट इसको जो है कन्वर्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि विद्यालय इस डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, इस कमिश्नरी में नहीं, इस प्रदेश में एक लेवल जो है अचीव करें और जो यहाँ से विद्यार्थी निकले वो क्षेत्र का भी प्रमोशन करेगा, देश का भी करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आज की जो आधुनिक पाठशालाएं हैं, इस पाठशालाओं में सिर्फ किताबी ज्ञानों को ही दिया जा रहा है। आप हमारे प्रिंसिपल साहब से मिलेंगे तो उन्होंने आपको बताया होगा, हम शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं, यही गुरुकुलम का उद्देश्य है। शिक्षा के साथ इथिक्स भी देते हैं, एजुकेशन विद इथिक्स, ये मेरी टैगलाइन है और मेरी पूरी कोशिश है कि जो आजकल सिर्फ शिक्षा ही विद्यालय दे रहे हैं, शिक्षा ही न दें, संस्कार भी जो है उपलब्ध कराएं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सफल मिलते हैं। तो सर इसमें जो है ना कि बच्चों में देखने मिलना जो बता रहे हैं वह है, इसमें कोई बुरा नहीं। एक है सर, एक कभी खलती है कि इतने अच्छे विद्यालय को क्षेत्र विरोधी है। अब मैं खुद भी मुझे विश्वास नहीं हुआ जब किसी ने इसको भेजा तो हमने हमको ऐसा लगा कि वो कहीं से लगा दिए, जब मैं आया मैं उससे भी बेहतर पाया। तो हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र के इस विद्यालय का नाम जो है जन जन तक उस क्षेत्र में पहुँच जाए ताकि लोग जाने कि एक यहाँ पर ऐसा क्षेत्र है। सर आपका बिल्कुल कहना सही है, आज की डेट में प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई चीज़ अगर अच्छी चीज़ आप डाल रहे हैं तो आपको प्रचार प्रसार भी लोगों को बताना। बेसिकली क्या है कि हम लोग एक साल पहले हैं, अभी हम लोग की जो प्लानिंग थी वो 2023-24 की थी। प्रिंसिपल सर ने कहा कि सर प्रचार प्रसार करने में टाइम लग जाता है, लोगों को बताने में टाइम लग जाता है, अगर हम प्रैक्टिकल करके लोगों को देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और लोगों का ज़्यादा विश्वास उसको बढ़ेगा। तो हमने प्रिंसिपल साहब की बात मानी और आपको बताया कि इसका जो भूमि पूजन हुआ वो 14 फरवरी 2022 को हुआ और 20 फरवरी 2023 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। दो शिफ्ट में काम चल रहा था और ये टारगेट बन गया कि इसको इस सत्र में खोलना है। और मैं आपको बताऊँ कि आप बहुत सही समय पर आए हैं, विद्यालय को अस्थाई मान्यता भी इंग्लिश मीडियम से आज ही मिली। कंग्रेचुलेशन। और विद्यालय में कुछ कार्यक्रम भी बच्चे कर रहे थे तो मैंने कहा कि वो भी देख लेंगे कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली ये है कि प्रचार प्रसार तो लोग करेंगे, जो यहाँ से लाभान्वित होंगे वो यहाँ से बाहर जाएंगे, वो चीज़ों को बताएंगे, कुछ ज़्यादा प्रभावी तरीके से हमारी बात को रख सकेंगे। तो इसलिए जो है कि पहला साल है, इसलिए लोग नहीं जान रहे, लेकिन जो जान रहे हैं वो ठीक से जान रहे हैं। आप निसंदेह बहुत ही बढ़िया कदम आप बढ़ रहे हैं, विद्यालय के सब लोग जो है वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। संबंध में आप इस प्रयास को तस्लीम करता है, सलूट करता है, बहुत ही बढ़िया प्रयास है सर, मेरी शुभकामनाएं सर। अब विद्यालय के कार्यक्रम के संदर्भ में विद्यालय में समर्थ हाउस के लीडर सुषमा धनंजय व प्रतिभागी सुष्मिता देवरी, प्रांजल श्रीवास्तव, पीयूष, आयुष, साहिल, प्रिया, रिया के द्वारा दुर्गा माँ की रंगोली ढोल व कलश के साथ बनाई गई। संयम हाउस के टीम लीडर के एन त्रिपाठी, असिस्टेंट हाउस मास्टर अनामिका जोन व प्रतिभागी रोशनी चादी, रिद्धिमा हर्षिता, सुयश के द्वारा अनाजों का प्रयोग करके अलग अलग रंगों में रंगोली बनाई गई। विवेक हाउस के टीम लीडर सूर्यांश राव, असिस्टेंट हाउस मास्टर अनिता जागीर व प्रतिभागी आरू गौतम, आरना त्रिपाठी, सूर्यांश तिवारी, श्रेया विश्वकर्मा, सूर्यांश राव ने फूलों व पत्तियों से रंगोली बनाया जिसमें 10 बुराइयों, लोभ मोह मानस अहंकार मद मत्सर बुद्धि काम और चित्त को दूर करने का संदेश दिया। संकल्प हाउस के टीम लीडर दीप रंजना स्वरूप, असिस्टेंट हाउस मास्टर कृपा व प्रतिभागी आस्था, निहारिका, आयुष, नव्या, अंकित ने रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाया। इस रंगोली कार्यक्रम में प्रथम स्थान विवेक व संकल्प, द्वितीय स्थान संयम हाउस और तृतीय स्थान समर्थ हाउस को दिया गया। प्रधानाचार्य
प्रोफेसर राजेश त्रिपाठी, डायरेक्टर अनिता त्रिपाठी और डायरेक्टर धनंजय सिंह ने समस्त बच्चों को, अभिभावकों को और आए हुए समस्त अतिथियों को रंगोली कार्यक्रम के पर्व पर और गरबा पर्व पर सबको शुभकामनाएं दी हैं। हम कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले दो बच्चों से बात किए जिन्होंने रंगोली बनाई थी, प्रस्तुत है उसकी एक झलक। नमस्कार, संपदा से अंजनी कुमार पाध्याय। सर, जो हमारे ग्रीन टीम के जितने बच्चे हैं वो हम लोगों ने मिलकर अनाज से हम लोगों ने बनाया। तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी सिंह। किस क्लास की हो? कहाँ रहती हो? तुमने इस पर क्या सोच, क्या थॉट तुम्हारे क्या है? ये है कि ये जो मोर है हमारे, ये लक्ष्मी जी के। वाह। और हम लोगों ने अनाज से बनाया है, जो कि ये ऊपर वाला है ये हमारे पानी का प्रतीक है। वाह। और ये जो है ये पहाड़, ये ठंडी में बहुत अच्छी है। वाह। इसलिए और वो हमारे सूर्य है। वाह। और ये हमारी ग्रीन का प्रतीक है। वाह। तब बहुत अच्छी बोल। हाँ बेटे, किस क्लास में पढ़ती हूँ? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। नाम तुम्हारा? सुष्मिता देवी। कहाँ घर है? मेरा घर तो एक्चुअली वेस्ट बंगाल में है और मैं अभी काशी के गाँव में रहते हैं। पापा का नाम बताओ। पापा का नाम नितिनजय देवी है। आगे बताओ, ये तुमने जो बनाया है इसमें क्या थॉट तुम्हारा? लेकिन मैं अपने जो हमारे किसकी तस्वीर है? ये दुर्गा माता की। दुर्गा माता की जो वो है, जो सरस्वती माँ की, जैसे वो तो गाना डांस करना जो भी वो सब करते हैं। दुर्गा माँ के साथ तुम्हारा जो है सरस्वती माँ का भी संगम आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत।